हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अनदर गेमिंग की वीडियो में। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं पोकेमोन लास्ट कॉपी का जो आज है एसी नंबर 6। कल के एसी बोर्ड में हम शिप में गए थे और शिप में हमें कुछ गैरी दिखा था। अब नहीं है शिप तो हम नहीं जा सकते। गैरी से हमने फाइट करी थी और हमें टीएम मिल गया था जो कैप्टन ने हमें दे दिया था कट, और मैंने अपने 4 मिलियन को सिखा दिया था तो 4 मिलियन यूज़ कर। तो आज हम करने वाला है जिम बैटल। ओ ये मेरे को पता था यार, इसमें पता नहीं कौन सा है। चलो आगे चलते हैं। इसमें क्या है, करना ही नहीं है क्या? चलो थोड़ी बैटल कर लेते, ट्रेन हो जाएंगे। तो दोस्तों हमने इस ट्रेनर को हरा दिया है और मैं ये ट्रेनर बैटल स्किप करना चाहूँ कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ या नहीं निकल सकता यार। मेरे को बैटल करनी ही पड़ेगी, यहाँ से भी नहीं जा सकता। चलो कर ही लेते हैं यार। और एक बात मैंने याद रखी यार, मैंने तो अपने वोल्टॉड को आगे रख रखा है यार। उस बैटल में भी गलती करी, इस बैटल में भी गलती कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं बैटल कर रहा था और मेरा बल्बसॉर इवॉल्व हो रहा है और वो बनेगा आइविसॉर। तो हमारे पास एक ग्रास नहीं, अब मेरे पे स्ट्रॉन्ग ग्रास टाइप पोकेमोन आ गया आइविसॉर। तो जल्दी मैं अपने पोकेमोन हील करा के आ जाता हूँ, फिर करते हैं जिम लीडर से फाइट। अरे इसके पास इलेक्ट्रावास है यार, इसके पास तो राइचू होना चाहिए था यार। कुछ भी चालू है यहाँ तो यार, गेम यार बहुत गंदी बात है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हील करा कर, आया होगा बैटल मेरा जिम लीडर का। चलो बैटल स्टार्ट। अब जिम लीडर यार कुछ कह रहा हूँ, इसके पास 5 है क्या? चलो कोई नहीं, हम अपना ड्रैगन रिज से इससे करते हैं फाइट। लाइट स्क्रीन इस्तेमाल कर रहा है। चलो ड्रैगन रिज और बहुत ख़तरनाक, और एक और ड्रैगन रिज से इसका साइज हो जाएगा ख़त्म खेल। और लेवल बहुत ज़्यादा भाई, 35 लेवल के अभी तो उसके पोकेमोन, और मेरा तो अभी बहुत छोटा सा बच्चा दिख रहा है इसके सामने। कोई नहीं, ये पता नहीं कोल इंग्लम कितनी नाम है इसका। अब नहीं बहुत गंदा डैमेज करा। हाँ अभी मरा, मेरे को भी नहीं मरा है यार। अभी मेरे पे कुछ नहीं है, पोशन वोशन लेके नहीं आया। अब लगता है इलेक्ट्रोड यार, तेरे भाई ने इतना नुकसान करा दिया, आप मत करियो। कोई नहीं, इसके लिए तो ज़ारा कुछ तो कर रहे यार, कुछ तो कर ले। ये गई इफेक्ट। मैजिकली या कंफ्यूजन मारते सबसे पहले तो खत्म यार। इसका डैमेज बहुत तेज है तो मेरे को जल्दी से जल्दी अपने म्यू को भेजना ही पड़ेगा यार। म्यू साइकिक, मैं इसे ऑर्डर दे रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हो। साइकिक इस्तेमाल कर म्यू। अरे बहुत गंदा म्यू, फायर पंच। अरे खुद मर जाता, म्यू को डैमेज कर रहा है। मैं शांति से नहीं मरना, अब आया ना राइचू। राइचू के लिए फायर पंच। चलो बहुत बढ़िया, कोई नहीं कुछ नहीं, ज़्यादा तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। साइकिक इस्तेमाल करता हूँ। अरे वोल्ट टैकल है क्या ये? लगता तो वही था, नाम पता नहीं क्या डाल रखा है। अरे रुक जा, मैं ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ ना इसमें। अरे वापस वोल्ट टैकल ख़त्म, टिक ही नहीं सकता यार इस अटैक के आगे, मैं टिक ही नहीं सकता यार। अब मेरे सारे पोकेमोन नल्ले पड़े, देखते पिकाचू कुछ कर पाए। पिकाचू कुछ तो कर दियो, अपनी आन मान और शान के सवाल है। फायर पंच मार के दिखा। चलो ख़त्म दोस्तों, अभी हम दूसरे बैटल में मिलेंगे डायरेक्ट। तो दोस्तों मैं वापस आ गया बैटल करने, अपना बदला ने हार का बदला। तो देखते हो आप क्या, ये लाइट स्क्रीन मार देता है ना सब सारे पोकेमोन के, लगती है लाइट स्क्रीन। तो मेरे को अब 4 मिलियन से अच्छे अच्छे अटैक कराने पड़ेंगे, पहले भी कराता था बट अब थोड़े और अच्छे करता हूँ। ड्रैगन रिज एक और लग जा भाई लाइट स्क्रीन। अरे यार अब बोलो, सबका बना दिया इसने तो, सबकी लाइफ बना दी। अबे यार तू क्या यार, गुस्सा आता है इससे, मेरा मन हो रहा है एकदम ही।
बेटा, रहन दो रहन दो रहन दो, यानी पोकेमॉन बैटल है, हार जीत होती रहती है, अपना मूव देखते हैं कितने खतरनाक है, मूव पर ही डिपेंडेड है। और ये ख़त्म, कोई चांस नहीं है हमारे को जीतने का। चलो कोई नहीं, पिकाचू है अपना, पिकाचू एक क्विक अटैक मारेगा ना, ख़त्म है ये, चलो ख़त्म। और हमारा कोई लेवल अप हो जाए, चलो म्यू 33 लेवल का हुआ, बहुत अच्छी बात है। आई बी सॉर अठारह इलेक्ट्रोड आ जा, इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, फायर टाइप ट्राई करता हूँ, रुक जाओ। अरे ख़त्म यार, नहीं हुआ, जी गया, अब तो हो जाएगा, अभी मारेगा तब तो हो जाएगा, कोई नहीं बहुत अच्छा डैमेज। और ख़त्म, खेल ख़त्म भाई, मैं नहीं टिक सकता इसके सामने, मेरे मानता हूँ यार। चलो जल्दी अपने आई वी स्पार को ट्राई करते हैं, स्लीप पाउडर लग गया ना तो ठीक है। अरे ख़त्म यार, ये क्या टिकेगा हमारा, मैंने इसलिए पकड़ा था, कुछ तगड़ा वगड़ा होगा, इनको हराने के लिए पकड़ा था, और ये तो हो गया नल्ला। चलो कोई नहीं, अपना एक पोकेमॉन आया है साइकिक, यार इसके इतने खतरनाक डैमेज हो रहा, बिल्कुल ही पिछली बार तो मार ही नहीं पा रहा था, अब तो ये ख़त्म। अरे यार आज कैसे कराऊंगा यार इसे, लगता है यार 3-4 बार में मुश्किल से हारेगा, लगता है मेरे को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी दोस्तों, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी यार, ऐसे नहीं जीतने वाला मैं इससे। अरे यार 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 नहीं दोस्तों, अब मैं दोस्तों ट्रेनिंग करके इससे फाइट करने वापस आऊँगा। तो दोस्तों मैं ट्रेनिंग कर रहा था और मेरा ज़ारा इवॉल्व हो रहा है गार्डिवॉर में। अरे भाई अब हमारे पास 2 साइकिक टाइप पोकेमॉन है यार, चलो कोई नहीं। और अब मैं थोड़े हील करा लेता हूँ और मैं आप अपने पोकेमॉन के लेवल दिखाता हूँ। मेरे सारे पोकेमॉन पहले से तो बहुत बढ़िया ही हो चुके हैं दोस्तों, कुछ कुछ 30 के आगे चले गए, कुछ कुछ 30 पे, कुछ कुछ 28-27 पे, और आईवी सॉर भी 24 का हो चुका है दोस्तों। सबसे पहले हील करा लेता हूँ, फिर चलते हैं जिम लीडर को हराने। बहुत ट्रेनिंग करी मैंने, नहीं करी मेरे भाई ने करी, मैंने भाई को फ़ोन पकड़ा दिया था तो उसने ट्रेनिंग करी पूरी की पूरी। तो अब देखता हूँ, मेरे को भी नहीं पता अभी ज़्यादातर, उसने बस हिंट दिया था वो 4 मिलियन 32, 31, 35, 30, 30, 24, भाई सारे 30 तक ही है यार, अच्छे खासे लेवल है। तो चलिए अभी जिम को चैलेंज करने चलते हैं, सबसे पहले कट इस्तेमाल करते हैं यहाँ तो 4 मिलियन यूज कट। और अभी चलो 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 आराम से, अब आगे सीधे स्ट्रेट। तो दोस्तों आप ऑप्शन यूज़ करता है तो मेरे को स्ट्रांग मूव मारना है कि पहली बार में ही उड़ जाए, ख़त्म ख़त्म ही, ऐसा कोई अभी तक तो मेरे पे नहीं है मूव। 4 मिलियन मेरे को बचा के रखना पड़ेगा, लास्ट में इसका एक मेल मैटन भी है इसके पास, लाइट स्क्रीन इस्तेमाल करें, कोई नहीं ड्रैगन रेज है अपने पास, एक और ड्रैगन रेज। क्या लगा, लग गया भाई, और बहुत गंदा डैमेज एक, अच्छा मेरे को बताया था यार सुपर पोशन इस्तेमाल करेगा, कोई नहीं ये ले। और लास्ट लास्ट लास्ट, अरे विस्फोट, कोई नहीं कोई नहीं, पोकेमॉन लेवल अप हो रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। अब मैं ये क्या ले आ रहा है बताएं, देख तो इलेक्ट्रोड, ओके ओके, पिकाचू जा, पिकाचू जल्दी अटैक कर, पिकाचू फ्लेम पंच काम बन जाना चाहिए, जल्दी अटैक कर यार, नहीं हो रहा नहीं हो रहा यार, क्या करूँ, वापस ट्राई करता रहूँ, लाइट स्क्रीन एक तो लगा रहे, स्पेशल डिफेंस इसका बढ़े जा रहा है, मैं कुछ भी मारूँ वही। अरे थैंक्स भाई, फटने के लिए बहुत बहुत मुबारक आपको। चलो कोई नहीं, 33 लेवल का 4 मिलियन है, 3 और फिर 4000 होगा मेरे पे। 36 का म्यू आईवी सॉर, 26 का आईवी सॉर भी हो चुका है दोस्तों, तो अभी उसका पता नहीं कौन सा पोकेमॉन आने वाला है, मैं ज़ारा को चूज़ कर रहा हूँ, ज़ारा ही हमें मैच जिता सकती है शायद। अरे मेलमिटन, इस पे तो साइकिक भी असरदार नहीं है, चलो मैजिकल लीफ काम आएगा, ये भी नहीं आया, ले जल्दी किसी और पोकेमॉन को बुलाता हूँ, इस पे सुपर इफेक्टिव है यार, साइकिक ट्राई करके कुछ तो करता हूँ, चलो जल्दी जल्दी
यार नॉट डिफिकल्ट, मेरे को पता ही था यार, शॉक वेव खत्म यार, आ जा। अब मैं किसे भेजूँ, 4 मिलियन को, 4 मिलियन बाहर आ जा। अब जल्दी अपना न्यू मूव इस्तेमाल कर, 1 हिट नहीं, चलो ये भी आ गया। अब यार किससे आ रहा हूँ इससे, मेरा तो दिमाग फटे जा रहा है, मैं किससे आ रहा हूँ किससे आ रहा हूँ। चलो म्यू ट्राई करता हूँ, म्यू कुछ कर, फ्लेम पंच, चलो हरा दिया हरा दिया हरा दिया हरा दिया, कोई नहीं, रात आई और कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, रही चू आ गया, इससे डर लग रहा है बड़ा। फ्लेम पंच, अब मुकाबला एकदम बराबरी का है, वो भी 36 का, मैं भी 36 का, अब होगा ना मुकाबला। अरे यार इसका पैरालाइज चला जाता है इसकी वजह से, एक तो कुछ नहीं हुआ यार, चला भी गया, हील करा लो इन्हें बस ऊपर ही, कोई नहीं कोई नहीं यार, अगर अब की बार नहीं जीता ना तो यार कुछ भी नहीं कर सकता मैं, मेरे को बहुत हील करना पड़ेगा। फ्लेम पंच, चलो बहुत बढ़िया, भाई भाई आखिरी उम्मीद है तू मेरी, यार तेरे को जीतना ही पड़ेगा कैसे भी करके। कौन सा मूव सीख रहा है ये, कोला, चलो किसे हटता हूँ, बबल को हटा देता हूँ, यार म्यू अब तेरे पे ही है सब कुछ, इलेक्ट्राबस को हरा दे बस, इलेक्ट्राबस को हरा दे यार, इलेक्ट्राबस आ रहा है, कोई नहीं इसे अगर हरा दिया ना तो हम बैच जीत जाएंगे, वरना जीत नहीं सकते कभी। लाइट स्क्रीन, कोई नहीं हमारे पास मौका है। फ्लिप बंच, एक और मार दे, अरे स्पार्क नहीं, टुकड़े नहीं टुकड़े नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे पैरालाइज यार इसकी, कुछ नहीं यार प्लीज़ यार, अरे यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को कुछ तो लाना ही था, मैं बिना पोशन मोशन किसी के नहीं आया, अरे यार बहुत गंदा सीन हो गया। नहीं आई विसोर कुछ तो कर ले, लीफ सीड इस्तेमाल कर ले, थंडर पंच, इस पर सुपर इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव ही नहीं है, सुपर इफेक्टिव किया इफेक्टिव ही नहीं है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा कैसे कैसे मूव मारता है ये मेरे पे। अब मैं इसको सुलाई दूँ, अगर सो गया तो ठीक है, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा अपना। अरे अरे नहीं भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, दोस्तों मेरे पोकेमॉन ही नहीं चाहते कि हम ये मैच जीते, तो अब हमारे अंदर कुछ नहीं, आत्मा वात्मा सब फेल है, हमारी ज़िंदगी में आना ही फेल हो गया। अब देख लो ये कोई पोकेमॉन होते अपने ट्रेनर का बात नहीं मान रहे, अरे नहीं भाई अब हमसे नहीं होने वाला ये गेम, और हम हार गए इसी के साथ। अरे वो टोटल अभी ज़िंदा है क्या, और ये वाटर टाइप है, कर लो बात, कोई नहीं जीतने की एक 1.1% है, बट ये भी चली गई। अरे तो दोस्तों एक और बार ट्राई करते हैं, आज की वीडियो ऐसे एंड नहीं कर सकते, ये सारा मैं बीच का कट आउट कर दूँगा। चलो दोस्तों हमने ट्रेनिंग कर ली थी और अब हम जाने वाले हैं एक और बार इसे हराने, ट्रेनिंग इतनी करी है ना, अब की बार इसे जीतना ही नहीं देना, और मैंने पोशन वोशन सब खरीद लिए, अगर अब हरा दिया ना बहुत गंदी बेइज्जती होने वाली है यार। मैं आपको पता नहीं, आप तो बस छोटा सा पार्ट देख रहे हो, मैंने कट कर रखा है यार, पूरे 30 मिनट की वीडियो होने वाली है ये, बट कट कर रहा है ना इसलिए आपको पता नहीं चला होगा, बहुत ज़्यादा ही कट कर दिया। ड्रैगन रेज इस्तेमाल करता हूँ, अब चलो लाइट स्क्रीन नहीं मारी, इतने घंटे से लाइट स्क्रीन मारे जा रहा है, क्या ही करूँ सोच जा रहा हूँ मैं। ये देखो वापस यार, क्या ये प्राणी है ये, कोई बिल्कुल गंदा पानी मिला है ये, जिसने भी इसको पकड़ा है ना उसका भला उसको पाल रहा है, बट मैं नहीं पाल सकता इसे यार, ये इसकी शक्ल देखते ही मेरे को पोकेबॉल की याद आती थी यार, कुछ नहीं चलो फूट जा, हाँ डैमेज देने के लिए आया था ना तू, तो 4 मिलियन का हराने आ गया, चल तेरा प्लान सक्सेसफुल। अब दूसरा इसका वोल्टोड होगा, मेरे को पता है यार मैंने गेम खेल लिया यार, ये बहुत घंटे से खेले बैठा हूँ यहाँ, खेल कर तंग आ गया हूँ, और ये वही अच्छा इलेक्ट्रोड था, सॉरी दोस्तों मैं भूल गया, कोई नहीं। अरे ये सुपर इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव ही नहीं है, वेरी नॉट वेरी इफेक्टिव, ये क्या होता है, लिखना आता है तुम्हें, कोई नहीं चलो। फायर पंच काम नहीं कर रहा इस पर, फायर पंच काम नहीं कर रहा, नॉट इफेक्टिव मूव मेरे पे बहुत ज़्यादा ही काम कर रहा है,
अगर ये फट गया ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा मेरा। नहीं फटेगा, ये क्यों फटेगा यार, इसका क्या हो जा रहा है फटने में? कुछ नहीं जाएगा फटने में, बट नहीं फटेगा ये। नहीं, अपना सारा इसे रोक सकता है तो रोक। ज़ारा के पास है साइकिक, साइकिक इस्तेमाल कर ले। चलो अब फटेगा, देख लो पिकाचू आएगा जब नहीं फटेगा। इसकी ये स्ट्रेटजी है भाई, जब मेरा कोई पोकेमोन दूसरा आएगा ना उसे हराने के लिए फटेगा ये, बिल्कुल फटेगा। बट उससे नहीं फटेगा, जब टाइम होगा जब नहीं फटेगा, मैं जब बोलूँगा फटेगा नहीं, बिना बोले फट ही जाएगा बिल्कुल ही। चलो इसे तो मैं फायर पंच से हरा दूंगा, बिल्कुल खत्म। अरे नहीं भाई, मेरे को कुछ कहना ही नहीं है, मेरे पे कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ़ करें आप सभी, मेरे को छुट्टी दे दो आप। अब मेरा डिफेंस कम करके किधर गया, ये मेरे को मार ही देता है, डिफेंस नहीं करना था। अरे इनका क्या करूँ, ज़ारा वारा का मेरे को कुछ काम ही नहीं आ रहे। चलो इस पे ट्राई करता हूँ अपना फायर पंच, फायर पंच जल्दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक और लग जा, एक और लग जा, एक और लग जा, प्लीज़ प्लीज़ भाई, प्लीज़ भाई। अब मेरे पे, मेरे को तुझ पे ही उम्मीद है आखिरी वाली, और मेरे को किसी पे उम्मीद नहीं है। मियो तू ये जिंदाबाद पिकाचू को स्टार्टर बना दिया, बट तू ये, तू जीत सकती है, इसे कोई हरा ही नहीं सकता। बस तू ये, तू ये, तू ये, तू ये, एक और मुँह भाई। म्यू 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 प्लीज़ प्लीज़ म्यू प्यू म्यू, पोल टैकल से बच जा म्यू, प्लीज़ 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 प्लीज़। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पैरल चलो बहुत बढ़िया, राइचू को हरा दिया। अब इसका लास्ट पोकेमॉन इलेक्ट्रबस, यहाँ तक तो मैं रोज ही पहुँचता हूँ यार, यहाँ से आगे नहीं जा पाता यार, बैज ही नहीं मिलता मेरे को। फायर पंच स्पार्क, टिक जा टिक जा टिक जा, बहुत बढ़िया टिक गया। और मेरी उंगलियाँ दर्द करने लग गई, आधे घंटे से लगाऊँ आगे। चलो सुपर पोशन सुपर पोशन सुपर पोशन, स्पार्क गया यार। अरे यार मेरे साथ ही क्यों होता है, आई वी सॉ जा यार, लीव सीड यार, ये मेरी स्ट्रेटजी है वो भी ख़राब कर देगा ये मेरा गंदा सा पोकेमॉन। शक्ल देखो इसकी, ऊपर फूल निकला है, बट फूल से कुछ करेगा नहीं, एनर्जी सोखने को बुला लो, खाना पीना खाए कर आराम से चला जाएगा। अब मैं बोलूँगा वो अटैक करेगा नहीं, देख लो। अब देखो वो कितना खतरनाक मुँह मारा, नॉट इफेक्टिव है तो भी। ये देखो यार, यार मैंने गलत बोल दिया यार, ये तो बहुत स्ट्रांग पोकेमॉन निकला, बहुत बढ़िया तू कर सकता है, आई वी सो तू कर सकता है यार, मैं तो मजाक में बोल रहा था, इसे तो लगता है सीरियस हो गया। आई वी सो ओपी, हैशटैग ओपी लगा दो, और आई वी सो थैंक यू भाई, मैं तो हैशटैग आई वी सो आज कमेंट में लिख ही देना दोस्तों, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिखूंगा यार, इतना अच्छा खेला इतना अच्छा यार। बाकी कुछ ही कुछ भी कहना, चलो यार ग्रोथ व्रोथ हमें नहीं सिखाने यार, तू बहुत अच्छा है पोकेमॉन है यार, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, तेरी वजह से मेरे को बैज मिला है, वरना मेरे को ना ही बैज मिलता ना ही कुछ भी। शुक्रिया दिल से शुक्रिया भाई। अरे यार इतनी खुशी हो रही है कि मेरे आधे घंटे की मेहनत काम आई आखिरकार। अरे यार दिमाग का दही हो गया था इसको हराने के चक्कर में, और आखिरकार हमने हरा ही दिया। जल्दी अभी सबसे पहले तो लड्डू पोकेमॉन सेंटर में बांटते हैं कि हमने बैच जीत लिया। चलो हील कर लेते हैं, और अब डे एंड है इस वीडियो का। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड यप।